ये सारे नाल शायकीन मौजूद हैं। अस अपने सरहकी गुफ्तगू करे इन्होंने को पुछते हैं कि जगह पर आए हो तो मज़ा आना पे या नहीं आना पे। हाँ इशराक तुम दसो भाई। अस भाई इतों रोकड़ी दे मकामी हाँ। उस तो बाद मेला बहुत मजे का थीना है ते बड़ा शोल मेला होना है। उस तो बाद चप्पली शप्पली होनी है कौड़ी शौड़ी होनी है इतने जी हूँ इस वक्त कौड़ी थी नहीं पई है बहुत जबरदस्त कौड़ी है। ये जी कौड़ी पूरे पाकिस्तान बहुत घट वाद लगती है ठीक है ना। तो असा तो राग है जहाँ पूरे पाकिस्तान भाई कौड़ी देखो आवाम आनीय वालीबॉल के मैच होने ओपन प्लेयर होने आवाम आनीय मैच दे दिए। तो उस तो बाद सारी लोगों तो यह गुजारिश है कि आओ सा मियाँ आली के खास तौर पर रोकड़ी के बाबे मंदिर अली शाह मेला देखो। शुक्रिया। बच्चों का रिएक्शन चेक करें। ये अमार हसन आया हुआ है तो अमार हसन को भी पूछते हैं भाई देख कि मजा आया कि कौन आया। जी हाँ मजा बहुत आया है। किश किश तुम दिखी है बहुत सारी चीज दिखी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये भाई हूँ सारे नाल कबड्डी के खिलाड़ी हैं तो इतने खेल बहुत अच्छा खेल रहे हैं इन्होंने कोई सवाल आप पूछते हैं कैसा महसूस किया तुमने इतने कबड्डी खेल। बहुत इंतजार है दिहाड़े का जी इस प्रेस की होगी घर पहले तो इतने आ खेद जी बहुत अच्छा महसूस किया है। हाल अभी जल्दी खत्म हो गया जो थोड़ा और मौका मिलता शायद एक अद और इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए इनशाला होने चाहिए लाजमी ये जो मौका होना चाहिए तकरीबन। बहुत शुक्रिया जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये सारे नाल हैं कबड्डी के बहुत बड़े प्लेयर मोहम्मद इरफान खान ये कड़ी जगह आए तुस ये मोच चो आए तो इन्होंने को पुछते हैं तुम कबड्डी कड़ी जगह खेड हो तो कि मजा आया कोई अपना एक्सपीरियंस बयान करो। कबड्डी तो जी अल्लाह ने हुक्म 2017 तो शुरू की तकरीबन 4-5 साल थी पैन ते कोई जा नहीं छोड़ी जेर जात गए ना हर जात जिते दावत बंदे कोई बंद खेने ये तो पीर साहब ने मेला है जिते बंदा हर टाइम दूजा दिहाड़े खेने पे कोई जी अच्छी चीज है बंदा फिट रहा है हर तौर से जिस्मानी तौर से जहनी तौर से सारा तो ये पैगाम हर बंदे को भाई बंदा अपनी गेम करो तो फिट रहा थी बंदा। बिल्कुल बहुत शुक्रिया थोड़ा तुसा साको टाइम दिता है। ये सारे को एक खिलाड़ी हैं जे मोच दे हैं असा काफ़ी अरसे तो इन्होंने को दे दी पाया तो इन्होंने के व्यूज हैं असा इन्होंने को पुछते हैं तो ये जी कबड्डी किसी और जगह पर डिठी है। बिल्कुल जी सारे को आप मोच दोबारा लड़को बड़े मैच दिन। अच्छा ये इतने मजा आया आना है या उ मजा आया इतने तो अभी आप गेम बड़ा ही मजा किया है क्योंकि जो बाबे ने दलबार है शोले जा हाँ साल तो बाद आना है। हाँ इस किस्म के हर जगह तो होने चाहिए सारे ख्याल इतने बिल्कुल क्योंकि अजक नवी फौज है नवे जवान है बचो। अस्सलाम वालेकुम भाई जान अस इतने बाबा पीर उमैद अली शाह मेले से खलिया और एक साढ़े नाल बच्चे मौजूद हैं क्या नाम है आपका जी। अमार हसन खान। ते अमार हसन खान इतने मेले से तुस आए हो ते तुसा के कबड्डी दिठी है उस तो बाद होर केरी गेम दिठी है। हां सिर्फ कबड्डी दिठी है जदे वॉलीबॉल ही दिठी है। हां जी है भाई भाई माशाल्लाह। आप आपने क्या क्या एंजॉयमेंट किया है झूले लिए हैं आपने। कल लिए थे आज तो नहीं लिए। माशाल्लाह कौन से झूले लिए हैं। घोड़ों वाली जी घोड़ों वाली। अच्छा अच्छा बता आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। मैं 6th क्लास में पढ़ता हूँ। अच्छा तो आप कहाँ से आए हैं कितने दूर से आए हैं यहाँ पर। इधर ही से आए हैं। अपने इलाके का नाम बता दो। अच्छा मेहताब खान और भाई को दिखाओ तो बाबा पीर उमैद अली शाह का मेला है और माशाल्लाह आवाम झूम रही है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमारे साथ शाहिद शाह साहब मौजूद हैं इन्होंने भी यहाँ की मीडिया कवरेज की है इसके अलावा इनका चैनल बना हुआ है ये खुद ही सारी चीज़ें बताएंगे। इनसे हम पूछते हैं कि ये यहाँ पर कबड्डी का जो मैच हुआ है ये कैसा इंटरेस्टिंग रहा है इसके अलावा कौन जीता है इसके हवाले से थोड़ा सा हमें गाइड करें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया आकिल खान भाई मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ मुझे तो आज आपको देखा तो पता चला है कि आपका भी चैनल है तो माशाल्लाह कबड्डी यहाँ बहुत ज़बरदस्त हुई है नौजवान लड़के थे बड़ा उन्होंने हैरान किया हकीकत में बड़ी अच्छी कबड्डी हुई है ओपन कबड्डी है
फेस कबड्डी होती है ना, एक तो जो है आपको भी पता है हमें भी पता है, ये कबड्डी ओपन कबड्डी है, इसमें खिलाड़ी अपनी पूरी जान लगाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और बड़ा मजा है, आपने तमाशा ही देखे, कितने तमाशाई थे हमारे यहाँ, कितना मतलब लोगों को शौक है। साइड की तरफ से आपकी बात भी इंटरप्ट कर रहा हूँ, जी जी, ये मैच आज का कौन जीता है, क्योंकि हम दूसरी साइड पे, ये समाज वाली जो साइड थी, गुंडी वाली साइड जो थी वो जीती है, क्योंकि उन्होंने आखिरी साथ जो था उन्होंने पकड़ा, तो लिहाजा वही विनर जो है ना कंसिडर होंगे। तो बड़ा मजा आया माशाल्लाह। आप अपने चैनल के हवाले से, मेरा चैनल जी मैंने बनाया है सरायकी दी बैस, ये सरायकी जबान में, और ये मैंने अपने खिलाड़ियों को जो कबड्डी वाले खिलाड़ी हैं, वॉलीबॉल खिलाड़ी हैं, तो जो भी किस किस्म के, अगर कोई सरायकी बंदा अगर कोई किसी फील्ड में अच्छा काम कर रहा है तो उसे अप्रिशिएट करने के लिए बनाया है, और सरायकी जबान में, ताकि लोगों को बोलने में कोई परेशानी ना हो, बेचारे लोग शर्मा जाते हैं ना बात करते हुए, भी थोड़ा सा परेशानी होती है उनको। तो ये चैनल जो है मैंने स्पेशली अपने सरायकी भाइयों के लिए बनाया है, ताकि वो भी जो है ना पाकिस्तान की तरक्की के अंदर अपना जो है हिस्सा कर सके। दुआ है कि अल्लाह पाक आप कामयाब करे, ताकि जो है हमारा इलाका भी तरक्की करे, हम भी जो है ना जिस तरह पंजाब पाकिस्तान के दूसरे इलाके जो है खुशहाल है, तो हमारा इलाका भी खुशहाल हो, हमारे मसाइल भी ऊपर जाएँ, हमारे लोग भी जो है तरक्की करें, और हमारे लोग भी उसको भी जो है पाकिस्तान की तरक्की में हिस्सा वो अपना डालें। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, टाइम दिया, बहुत शुक्रिया।